लीडर में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। दोस्तों, इस कंपनी ने अभी तगड़े रिजल्ट पेश किए। दोस्तों, अभी अभी इनके रिजल्ट पेश हुए दोस्तों, और देख सकते हो अभी इस कंपनी का ऑपरेशन देखते हैं दोस्तों, क्योंकि ये शेयर ऑलरेडी बहुत क्रैश हो चुका है दोस्तों, और इस कंपनी ने अच्छे रिजल्ट पेश किए दोस्तों, इसके दम पे भागेगा जरूर दोस्तों ये शेयर। और देख सकते हो अभी इसका शेयर प्राइस बहुत ही कम प्राइस में मिल रहा है दोस्तों, 44, 45, 50 रुपीज़ के नीचे ही चल रहा है दोस्तों। तो 50 रुपीज़ के नीचे कोई महंगी बैंक नहीं है दोस्तों। और आप देख सकते हो अभी ऑपरेशन कंपनी की बैंक की देखिए दोस्तों, इक्विटास बैंक के ऑपरेशनल आप देख सकते हो, 18 स्टेट में काम करती है कंपनी, और यूनियन टेरिटरीज में करती है वो अलग, और 876 इनके आउटलेट्स है दोस्तों, तो ब्रांचेस हैं इनके 876, और 342 ATMs है दोस्तों इनके, 288 बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स हैं इनके, और 17,936 18,000 के आसपास इनके पास एम्प्लॉयज़ है दोस्तों। तो ज़बरदस्त कंपनी ने बिजनेस अपना एक्सपांड कर लिया है दोस्तों, और अच्छी खासी कंपनी है दोस्तों, और बहुत ही क्रैश हो चुका है दोस्तों, जब से लिस्ट हुआ है तब से भी क्रैश में ही चल रहा है दोस्तों ये शेयर। और अभी देख सकते हो कंपनी ने फाइनेंशियल में FY23 में अभी Q1 के रिजल्ट में इन्होंने 97 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया है दोस्तों, और तगड़े रिजल्ट दिखाए हैं दोस्तों अभी कंपनी ने अभी। और हाईलाइट्स देखिए दोस्तों कंपनी की, FY23 में इन्होंने 3,238 करोड़ के डिस्पर्समेंट किए दोस्तों, और स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाई है दोस्तों कंपनी ने, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 156% की ग्रोथ दिखाई है, ड्यू टू कोविड लेट डाउन के वो कोविड लॉकडाउन में इनका बहुत ही नुकसान हुआ दोस्तों, और वहाँ से कंपनी ने ज़बरदस्त रिकवरी की है। और अभी देख सकते हो FY23 Q1 के रिजल्ट में इन्होंने 21,688 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया दोस्तों, और 22% की ग्रोथ दिखाई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और ज़बरदस्त रिजल्ट पेश किए कंपनी ने ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। और आप देख सकते हो अभी रिजल्ट देखिए दोस्तों, जून 2022 में कंपनी ने अभी 21,690 करोड़ का बिजनेस किया है दोस्तों, पिछले क्वार्टर में किया था दोस्तों इन्होंने 17,837 करोड़ का, और जून 2021 में किया था इन्होंने 17,837 पिछले साल के क्वार्टर में दोस्तों, तो ईयर ऑन ईयर 22% की जंप है दोस्तों, ज़बरदस्त जंप है दोस्तों। और पिछले क्वार्टर में देखिए 20,597 करोड़, तो 5% की जंप है दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और ईयर ऑन ईयर 22% की जंप है रेवेन्यू में कंपनी के, और देख सकते हो ज़बरदस्त कंपनी बिजनेस कर रही है दोस्तों। और अभी हम आते हैं टोटल इनकम अदर इनकम पूरा देख सकते हो आप इनका इधर, अभी हम आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस पे दोस्तों। आप देख सकते हो Q1 23 में इन्होंने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स किया है दोस्तों 97 करोड़ का, और आप देख सकते हो Q1 22 में पिछले साल किया था दोस्तों इन्होंने 12 करोड़ का, 12 करोड़ के अगेंस्ट 97 करोड़, ज़बरदस्त जंप है दोस्तों, 713% की जंप है इनके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। और देख सकते हो पिछले क्वार्टर में इन्होंने 120 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया था दोस्तों Q4 में 2022 में, और देख सकते हो 20% की गिरावट है दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और ईयर ऑन ईयर 700% की जंप है दोस्तों। कंपनी ने ज़बरदस्त रिजल्ट पेश किया दोस्तों, क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ी सी गिरावट है, मगर ये कंपनी आगे जाके आपको अच्छी वेल्थ बना के दे सकती है दोस्तों, और इस कंपनी पर आप अपनी नज़र जरूर बना के रखिए दोस्तों। और अभी हम आते शेयर प्राइस पे दोस्तों, 44 रुपीज़ पे, और फ्राइडे के दिन ये शेयर ऑलरेडी 3.7% गिर चुका है दोस्तों, ऑलरेडी क्रैश हो चुका था, मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था रिजल्ट खराब आएंगे कंपनी के, और देख सकते हो एक साल में ये शेयर 1 ईयर में 26% डाउन चल रहा है दोस्तों, ऑलरेडी ये गिर चुका है शेयर, और अभी अच्छे रिजल्ट पेश कर रही है कंपनी, ठीक ठाक रिजल्ट है दोस्तों, इतने भी बुरे नहीं है और इतने भी अच्छे नहीं है रिजल्ट, क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे थोड़ी सी गिरावट है दोस्तों, मगर ईयर ऑन ईयर जबरदस्त कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है। अभी हमें तो रिजल्ट अच्छे लगे दोस्तों, अभी मार्केट को रिजल्ट पसंद आने चाहिए दोस्तों, तो मार्केट को पसंद आ गए रिजल्ट तो इस शेयर में जबरदस्त रैली हो सकती है दोस्तों, अपर सर्किट भी लग सकता है, क्योंकि बहुत पिटा हुआ स्टॉक है और बहुत ही कम प्राइस पे मिल रहा है दोस्तों, और ऐसे रिजल्ट देने के बाद कंपनियां जरूर भागती है दोस्तों। और मार्केट कैप देखिए दोस्तों कंपनी का, 5,500 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है दोस्तों कंपनी का, छोटा सा स्मॉल कैप कंपनी है, स्मॉल कैप ही बैंक बोल सकते हो दोस्तों आपको, और ये कंपनी आगे जाके आपको अच्छी वेल्थ बना के दे सकती है दोस्तों। और मैक्सिमम देखिए अभी तक ये शेयर 36% भाग चुका है दोस्तों, 2020 में ये कंपनी 32 रुपीज़ पर लिस्ट हुई थी दोस्तों, और वहाँ से ये 60 रुपीज़ के ऊपर जा चुका था दोस्तों, और वहाँ से फिर से क्रैश हुआ दोस्तों, 40 रुपीज़ के नीचे भी आ चुका था दोस्तों शेयर। आप देख सकते हैं इसका 52 वीक लो है 37 रुपीज़, और 52 वीक हाई है 71 रुपीज़, तो अपने 52 वीक हाई को जरूर टच कर सकता है दोस्तों ये रिजल्ट के दम पे दोस्तों। ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।